Thank you very much, Chairperson. Ladies and gentlemen, good evening. The title of my paper is Harmonious Heritage of Indian Culture, Attractions in Sufi Writing. Basically, जो मकसद है, purpose है इस paper का, मुझसे कितना सा है कि सूफी राइटिंग्स का contribution क्या रहा है, सूफियों का contribution रहा है. सूफियों में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स की. So just, I will wind up my paper, actually not present my paper. There is a common conception. I think in earlier session, Dr. Parveen has already told so many confusions in the history concerning with the Muslims. तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि मुस्लिम्स जो भी हिंदुस्तान में आए, ज़्यादातर लड़ाइयाँ उनकी हिंदूज के साथ हुई हैं. जबकि ऐसा नहीं है, दो तीन इंस्टेंसेज ही हैं. बाबर की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी, इसी तरह से अकबर ने बहुत सारे लड़ाइयाँ जो हैं वो मुस्लिम बादशाहों के साथ लड़ी हैं. तो इस तरह के बहुत से इंस्टेंसेज हैं. और दूसरा फिर ये कि स्पिरिचुअल हारमोनी एंड रोल ऑफ सूफिज्म क्या है इसमें. दो तीन कॉन्ट्रीब्यूशन बड़े हैं. एक तो कॉन्सेप्ट है कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म, द बिलीफ ऑफ एजुकेशन एंड अनएजुकेटेड. अल-बरूनी वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुक्स लाइक योग वशिष्ठ एंड ही रोट वन बुक तहकीके हिंद. तो रिगार्डिंग दिस ही कैरीड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस टू द वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ अल-बरूनी. लेटर ऑन सो मेनी अदर बुक्स वर क्रिएटेड. सो द वेस्ट एंड अरब्स केम टू नो अबाउट इट. सो ही टोल्ड कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग रिलीजन के अंडरस्टैंडिंग के पार्ट के ऊपर दोनों फर्क होते हैं. ये उसकी बहुत बड़ा एक अप्रहेंशन था. और इस चीज़ को लिया कि रोल ऑफ सूफी स्कॉलर में बाद में हम देखते हैं कि अमीर खुसरो के टाइम पर बहुत काम हुआ है. लेकिन अमीर खुसरो के जो राइटिंग्स हैं उसका बेसिक सोर्स संस्कृत के लिटरेचर नहीं थे. अमीर खुसरो ने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो लोकल लैंग्वेज थी, जो ट्रेडिशंस यूज़ किए हैं वो लोकल ट्रेडिशंस थे, और वहाँ से चीज़ों को लिया है. लेकिन जिस तरह से अल-बरूनी ने ओरिजिनल सोर्सेस को लेकर के ट्रांसलेटेड वर्क किया, अमीर खुसरो ने ऐसा नहीं किया. लेकिन ही हैज इनिशिएटेड दैट सच ए स्पार्क इन द सोसाइटी, सो दैट सच टाइप ऑफ वर्क शुड बी कंटिन्यूड. लेटर ऑन दारा शिकोह वाज एक्चुअली द सूफी स्कॉलर हु वर्क, दैट वाज द ट्रेमेंडस वर्क मजमुल बहरीन, दैट इज द मिंगलिंग ऑफ द टू ओशंस, दो महासमुद्रों का मिलन. और इसका मेन पर्पज यही था. इस कुरान में आयत भी है, टाइटल शायद वहीं से दिमाग में आइडिया होगा. ये मेरा आइडिया है, मैं मालूम नहीं है तो आपसे मैंने कहाँ से टाइटल लिया. लेकिन उसका जो मकसद था इस किताब को लिखने का वो यही था कि बेसिक जो स्पिरिट है वेदास की और कुरान की वो एक है. भले चाहे रिचुअल्स अलग हों, लैंग्वेज अलग हो, या लेटर ऑन जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं, वैदिकिज्म इज अ डिफरेंट फ्रॉम द लेटर ऑन, दैट इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दैट वैदिकिज्म व्हेन सो मेनी अदर कल्ट्स एंड सो मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स आर इंसर्टेड इन हिंदुइज्म. इट डेवलप्ड इन ड्यूरिंग द मींस गुप्तन पीरियड व्हेन द means idol worship came into existence. So it was very important book, Majmu' al-Bahrin. I will not throw light in detail on it. Another thing, the need of local language. एक सबसे बड़ी problem ये थी कि जो Turkish यहाँ पर आए थे, अफगानी जो यहाँ पर आए थे Muslims के form में, उन्होंने Islam को जो present किया तो वो उन्होंने Arabic language में present किया. और अल्तमश ने तुर्कानी चहलगानी बनाई थी. तो उलेमा लोग जो थे वो तैयार नहीं थे Quran को किसी और language में present करने के लिए. तो सबसे बड़ा एक जो क्राइसिस पैदा हुआ आवाम के सामने वो ये हुआ कि कुरान को समझने के लिए चूंकि लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं था, और अरबी जो थी वो आवाम की ज़बान नहीं थी, तो उसका फ़र्क ये हुआ कि लोगों को डिपेंड रहना पड़ा उलेमा के ऊपर. तो जो बाद में जो उलेमा की एक जमात तैयार हुई तो काले चहलगानी के बाद, उन्होंने अपने तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू किया. और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो सबसे पहला कत्ल अगर उलेमाओं के जिम्मे जाता है, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं, तो वो रज़िया सुल्ताना का जाता है. क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कत्ल के पीछे उलेमाओं का कुछ रोल था, क्योंकि दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ए लेडी, अ मुस्लिम लेडी, शुड रूल ओवर द मैन डोमिनेटेड सोसाइटी. तो ये एक चीज़ रही थी. और दूसरी चीज़ आवाम में ये रही कि कुरान और हदीस को समझने के लिए वो उलेमाओं पर डिपेंडेंट थे. तो सूफियों ने इस कमजोरी को समझा और उन्होंने पर्शियन में सबसे पहले एक सोहरावर्दी सिलसिले के एक सूफी थे सिंध में, उन्होंने सबसे पहले पर्शियन में कुरान का एक ट्रांसलेशन किया. बाद में और भी बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं. उसमें एक ट्रांसलेशन का नाम तो मनमोहन की बातें के नाम से भी है, शाह फजलुर रहमान साहब, रहमानिया सिलसिला इन्होंने डेवलप किया था 1895 में. तो मनमोहन की बातें ये कुरान का तर्जुमा है, इस नाम से उन्होंने हिंदी में किया था. तो इस तरह के बहुत से काम हुए हैं. फिर मिस्टिक पोइट्री की अगर हम बात करें तो शाह अब्दुल लतीफ पंजाब सिंध में बुल्ले शाह की पोइट्री है, फिलॉसफी ऑफ वेदांता. और फिर हम अगर ये देखें, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, अमीर खुसरो ने किस तरह से इन्होंने
हिंदू डायलेक्ट्स को, वैदिक डायलेक्ट्स को, या उनके वर्बी टीम को, या उनके कल्चर को किस तरह से इस्लामिक मिस्टिसिज्म के साथ एक मिंगल करके प्रेजेंट किया है, जिससे कि अगर कोई हिंदू पढ़े तो उसे लगे मेरी बात हो रही है, कोई मुस्लिम पढ़े तो उसको लगे मेरी बात हो रही है। ये सूफियों का रोल था कि उन्होंने अरबी का और जो हिंदुस्तानी जबान थी उसका फासला कम करके एक ऐसी जबान पैदा की जिसको दिल की जबान कहते हैं, वही हिंदुस्तानी जबान है। इसी तरह से अमीर खुसरो का कलाम है, हु इज ए सूफी कौन है, शाह अब्दुल लतीफ ने लिखा है, जो सिंध के सूफी थे, एनिमल स्किमल का एक ट्रांसलेशन है। अब्दुल लतीफ ने योगियों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, अपनी पोइट्री में उन्होंने योगी वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया है, बुल्ले शाह ने भी यूज किया है, और अल्लामा इकबाल ने तो इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में एक पूरी एक यूटोपियन एक इमेजिनेशन कर लिया है कि वो चांद के ऊपर जाते हैं, और उन्हें इसका इंस्पिरेशन मिला था कि मिराज शरीफ के वाक्य से, वो चांद पर जाते हैं और तमाम दुनिया के जो फलसफी होते हैं वो उनके साथ होते हैं, और उसमें मौलाना रूम भी हैं, और वहाँ पर उनको ये विश्वामित्र मिलते हैं और उनके साथ एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा है। बस इसको खत्म कर, इससे कह के अपनी बात में खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ही आज डेथ ऑफ द रीजन, तो उन्होंने जवाब दिया अल्लामा इकबाल ने कि गिविंग टिप थॉट डेथ ऑफ द हार्ट आई सेड गिविंग अप रिमेम्बरेंस। और इस तरह से लास्ट में जब वो पहुंचते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि आम लोगों का रिलीजन क्या होता है। लास्ट अगर क्वेश्चन देखें तो कॉमन रिलीजन, तो वो कहते हैं जस्ट हेयर से, सुनी सुनाई बात। और नॉस्टिक्स का रिलीजन क्या होता है, यानी उन लोगों का जो आरिफ है, जो उर्फा है, तो वो कहते हैं ट्रू सीन, तो उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होता है। तो ये एक स्पिरिचुअल चीज है जो उन्होंने अल्लामा इकबाल ने इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के साथ मिक्स करके, खालिस इसमें इस्लामी फलसफा नहीं है बल्कि इंडियन मिस्टिसिज्म को मिक्स करके उन्होंने प्रेजेंट किया है। और कंक्लूजन यही है इस बात का कि सूफियों की जो राइटिंग्स है, ये तो कुछ चंद थोड़े से थे एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। आखिर में अपने चार मिसरे कहकर अपनी बात खत्म करूँगा कि कोई मौसम यहाँ रंगीन कहाँ से आए, कोई मौसम यहाँ रंगीन कहाँ से आए, ताज का दौर है कालीन कहाँ से आए, और राह में बिखरे पड़े कितने जादू के चिराग, मसला यह है कि अलादीन कहाँ से आए। थैंक यू।